सभी को जो आशा वर्कर की मांगे वो जायज हैं। 4000 रुपये में आज क्या होता है घर का चूल्हा नहीं चलता। इनको कम से कम भी 20000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए। गांव के विकास में ये बहुत योगदान देती हैं। मैं गांव का सरपंच होने के नाते अनिल कुमार इनका सहयोग करता हूं पूरा तन मन धन से। हाँ, इनकी मांगों का समर्थन करता हूँ। 8 तारीख की रैली जा रही होने जा रही है करनाल में, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और पूरा योगदान करेंगे। मैं यहाँ की मेट हूँ जी, और जो ये बहनें आशा वर्कर हमारे गांव में आई हुई हैं, हम इनका समर्थन कर रहे हैं। तो इनकी जो मांगे हैं वो भाई देखो जायज़ हैं, इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हम भी अपनी मांगों के लिए खड़े हैं और हमारी भी पूरी होनी चाहिए, इनकी भी पूरी होनी चाहिए। ये 24 घंटे ड्यूटी निभाती है, और मतलब रात को दिन को मतलब किसी भी टाइम इनको कहो तो ये पेटेंट रहती है अपनी उस पर काम पर। तो जो ये दो महीने से बैठी हैं उनके, हाँ उनके लिए भी सोचो भाई, वो भी इनको मतलब जिसकी बेटी है ये बहुएं हैं तो इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ। तो आप सभी से यही है कि हम समर्थन दे रहे हैं, तो इनकी सैलरी होनी चाहिए जी। और जो ये 8 तारीख की जो रैली है इनमें भी हम भाग देंगे, पूरा पूरा योगदान देंगे इनका। धन्यवाद जी।
नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विनती है जी, अमरा अमरा पीएचसी से जी, डाणी गांव में खड़े आज हमने डाणी गांव में रंडा का पुतला फूका जी, खट्टर का, मोदी का, अनिल विज का जी। हम बहुत परेशान हो रहे हैं सर, हमने 2 महीने से रोड पर बैठे हैं, सरकार हमारी सुनाई नहीं कर रही और हमने सरकार बार बार टाइम दे रही है, ना तो मिल रही ना बात कर रही। 29 तारीख ने बुलाए थे, बुला के वहाँ पर हमारी बहनों की बेइज्जती करी उन्होंने, ना बैठने का स्थान दिया ना अच्छे से बात करी, उन्होंने वापस आ गए नाराज़ हो गए और अब ना टाइम दे रही ना हमने मिलने की बात कर रही है जी। अगर आपकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन ऐसे जारी? हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो हम 2 महीने तो क्या जी, 2 साल तक रोड पर बैठेंगे। हमारे घर परिवार हमारे सपोर्ट में खड़े हैं जी, वो हमें खाना दे सकते हैं, हमारा किराया भाड़ा पुगा सकते हैं, हम 2 साल तक भी आंदोलन लड़ सकते हैं। और आज कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल हुए आपके जो? हमारे कार्यक्रम में जी सरपंच ने पूरा सपोर्ट कराया है, गाँव वालों ने पूरा सपोर्ट कराया जी, नरेगा मजदूर ने और पूरे भाईचारे ने हमारा सपोर्ट कराया जी, सारे परिवार हमारे साथ में है। अगर सरकार की आँख खुल गई है तो ठीक है, नहीं तो 8 तारीख ने सरपंच और पूरा गांव ये बोल रहा है कि हम 8 तारीख ने बहुत बहन कर रैली करेंगे जी, एक गांव से 4-4, 5-5 गाड़ियां जाएंगे जी करनाल में। हम अगर हमारी सरकार ने बात मान ली तो ठीक, अगर नहीं मानेगी हर गांव में जा जाकर हम यही जुलूस निकालेंगे और हमारे साथ नरेगा मजदूर यूनियन सरपंच और मेरी आशा बहने सब भी, हम रात नहीं देखेंगे न दिन देखेंगे, हमारे जुलूस को पूरा करते जाएंगे ताकि सरकार को पता लग जाए कि हमारे में कितना दम है। सरकार कुछ भी कर लो लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।